सवाल में आपको दिया गया है कि एक बैलून ऊपर जा रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। इस बैलून से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, जो बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है 11 सेकंड्स के बाद आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम द बैलून। आपसे पूछा गया है कि इस बैलून का इनिशियल हाइट, मतलब जिस वक्त हम लोगों ने बॉल को ड्रॉप किया उस वक्त इस बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने इस बॉल को ड्रॉप किया बैलून से तो क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। क्योंकि हमने इसको बैलून से ड्रॉप किया है, इसकी वेलोसिटी ड्रॉप करने के पहले बलून के बराबर थी, तो ड्रॉप करने के जस्ट बाद भी बलून के बराबर ही रहेगी, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। और ये बॉल ऊपर जाकर इस तरीके से नीचे आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो अगर मैं इस बॉल के मोशन को देखूं तो मैं कह सकता हूं ऊपर की तरफ मैं प्लस ले ले रहा हूँ, नीचे की तरफ माइनस ले ले रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव ले रखा है, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, जिसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में कंसिडर करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको दे रखा है, ये बॉल ग्राउंड से टकराती है t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स, तो टाइम आपको दे रखा है 11 सेकेंड्स। आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, विच इज इस केस में कितना होगा, नीचे की तरफ h, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस h, और ये आपसे पूछा गया। यहां पर हम सिंपल सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज माइनस h इज इक्वल टू 10 इंटू टी 11 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज माइनस एच इज इक्वल टू 110 प्लस माइनस 5 इंटू 121, विच इंप्लाइज एच इज 5 into 121 minus 110, which is equal to 495 meters. तो बैलून की हाइट उस वक्त जब यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया उस वक्त कितनी थी, h is equal to 495 meters. ये आपका आंसर है।